आप कुछ भी कीजिए, आरएसएस के विभिन्न संगठन कुछ भी करे, दंगा करे, फसाद करे, जो भी नफरत की राजनीति करे, जदयू या नीतीश कुमार उसके एजेंडे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बशर्ते के आरएसएस मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भाजपा नेतृत्व से बात करके कर। एक तरफ जहां उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन के अंदर रार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर के आरजेडी पूरी तरह से मुखर हो गई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है वो बिहार के लिए अच्छा नहीं है। उनका सीधा सा निशाना है कि आरएसएस के साथ नीतीश कुमार की गुप्त बैठक इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं भीतरखाने में इस बात की डील हो गई है, जिससे बिहार में आरएसएस और बजरंग दल जैसे संस्था जो मनमर्जी वो करें और इसके बदले में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पुनः दे दी जाएगी। इस बात के लिए शायद बीजेपी के साथ समझौता करने के लिए ही नीतीश कुमार और आरएसएस के बीच में बैठक हुई है। अब अगर ऐसा होता है तो बिहार की जनता इस बात को सोच ले कि अमन और चैन कहाँ जाएगा। बिहार जिसके लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ अमन और चैन, शांति, भाईचारे का वातावरण है, उस वातावरण में किस तरह जहर घोलेगी आरएसएस। 2020 के चुनाव को लेकर के भी अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया है। इसी के दम पर वो सारी बातें और दावा कर रहे हैं कि वो विधानसभा में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। क्या बिहार एक बार फिर से आरएसएस और उसके अन्य सहयोगी द्वारा आग में झुलसाया जाएगा और ये सब कुछ नीतीश कुमार के संरक्षण में होगा? इन सब बातों को लेकर के आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने शशांक से बातचीत करते हुए सुनिए कितने तल्ख अंदाज में और तेवर में जमकर नीतीश कुमार और आरएसएस के इस समझौते को और बैठक को घेरा। सर, नीतीश कुमार आरएसएस के साथ गुप्त बैठक किए हैं, इसके बारे में बीजेपी के नेताओं को भी पता नहीं है और जदयू के भी बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं है। देखिए, एक गंभीर मामला है जो प्रकाश में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि भाई इस तरह की बैठक हुई है आरएसएस के साथ। तो जो पार्टी, जो नेता यह कहते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे, या फिर उससे भी बड़ी बात यह कहते थे कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, ये नारा दे करके जनता का वोट लेते थे। और जब वो सत्ता में हैं तो उसी संघ के साथ वो गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। तो ये एक सिद्धांत से समझौता है। और वैसे लोग जो इनके इस नारे पर वोट दिए थे कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, उनके विश्वास के साथ धोखा है। उससे बड़ी बात एक इस मामले में यह है कि जिस तरह से बिहार में भाजपा नेताओं के द्वारा अगला मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी को सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार किया जा रहा है, जिससे जनता दल यूनाइटेड विचलित है और परेशान है, और उसे यह लगता है कि 2020 में भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाने जा रही है, तो वो अंतिम अस्त्र के रूप में आरएसएस के शरण में गए हैं और आरएसएस से चाहते हैं कि आरएसएस भाजपा को राजी कर ले कि वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। और दूसरी तरफ कंडीशन की, भाई तो फिर नीतीश कुमार जी का बात आरएसएस क्यों मानेगा? तो ये एक कंडीशन बना है दोनों में कि आप मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भाजपा पे दबाव बनवा के बनवाइए, हम आरएसएस के एजेंडा को हम लागू करवाएंगे बिहार में और पूरी ताकत से मदद करेंगे, न केवल बिहार बल्कि जहां भी उनका प्रभाव, उनकी पार्टी का प्रभाव है, वो आरएसएस के एजेंडे को हम आगे बढ़ाने में काम करेंगे, बशर्ते कि मुझे आरएसएस भाजपा नेतृत्व से बात करके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाए। ऐसी शंका, ऐसी संभावना हम लोग को लगती है। बैठक का उद्देश्य जो हो सकता है, जो समीक्षा लोग करते हैं, तो मेरी समीक्षा यही है कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने के लिए और आरएसएस के एजेंडा को लागू करने के लिए दो इशू पर यह हुआ है। दूसरी बात, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने आरएसएस के विभिन्न संगठनों पर जांच बैठाला था और उसका इंक्वायरी करवाया था कि वो किस तरह सामाजिक जो सौहार्द का वातावरण है, कहीं उसके लिए, शांति के लिए कहीं कोई खतरा तो नहीं है, या किस तरह का गतिविधि कर रहे हैं जो बिहार के लिए खतरा तो नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में कि भाई हम, आप कुछ भी कीजिए, आरएसएस के विभिन्न संगठन कुछ भी करे, दंगा करे, फसाद करे, जो भी नफरत की राजनीति करे, जदयू या नीतीश कुमार उसके एजेंडे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बशर्ते के आरएसएस
मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भाजपा नेतृत्व से बात करके करवा दे। इन्हीं सब बिंदुओं पर बात हुई होगी जो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक है। सिद्धांत से समझौता किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। जब नेता सिद्धांत से ही समझौता कर लेगा तो उसे राजनीति का और उसके अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। रुवा देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। अगर वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।